करण जो है वो इनका पूरा नाम करण शर्मा है, जो गाजियाबाद से हैं। और यदुवीर सिंह चरण जम्मू से, मिनी स्विट्जरलैंड। मैं छोटे 8-9 साल से क्रिकेट मतलब खेलता था, वैसा नहीं, अंदर दिमाग में था कि हाँ ये चीज़ करनी है करनी है। तो पापा ने मेरे को बोला रात को, मतलब रात होने से पहले तू घर पे चाहिए, और मैंने रोज़ लेट होना और पापा से रोज़ डांट खानी, कभी कभी मार भी पड़ी है मेरे को पापा से। फिर मैं देहरादून, 10th के बाद देहरादून चला गया पढ़ने। फिर जब वहाँ से वापस आया 12th के बाद, तो एक फ्रेंड ही है वो भी मतलब खेलता ही था प्रोफेशनली, तो उसने बोला कि तू ट्रायल क्यों नहीं देता। तब मैं अंडर 19 लास्ट ईयर था, मैं गया 2 दिन तो उन्होंने मेरे को खड़ा रखा वहाँ पे, मैं थक गया खड़े खड़े। मैं बोला मैं नहीं खेल रहा, बोलता नहीं एक दिन रुक जा तेरे को बॉलिंग आएगी, अपने चांस का वेट कर। बस वो एक दिन था, उस दिन मैंने दिखा दिया सबको, बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। जब मैंने स्टार्ट करा था काफ़ी छोटा था, 8-9 साल का था, तो बचपन से ही मैंने सोचा था खेलना है यार आगे हमेशा से। और मेरे पापा का भी सपना था कि मेरे को क्रिकेट ही पसंद आता था और कोई गेम ही पसंद नहीं आता था। और मैंने बचपन में बहुत कुछ किया है सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। फर्स्ट क्लास में डेब्यू मेरा अगेंस्ट मुंबई हुआ अंडर 19। इतनी आदत नहीं थी डेज खेलने की, क्योंकि इतने इतने ओवर डालने पड़ते हैं और 4-4 दिन का मैच, इतनी आदत नहीं थी मेरे को। बट मैंने दम रख के बॉल डाली और मैंने उसमें 5 विकेट हॉल भी लिया था। हाँ, फर्स्ट डेब्यू में मेरा 5 विकेट हॉल अगेंस्ट मुंबई था। मैंने पहला खेला था, वाइट बॉल खेला था, T20 खेला था, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील हो रहा था। बट मैं खेल काफ़ी नीचे रहा था, पर वैसे ऑल ओवर बहुत अच्छा था। नेक्स्ट मैच से फिर काफ़ी उस सीज़न मेरे हाईस्ट रन स्कोर था T20 में। मैं बहुत सारी इंजरीज भी हुई हैं मेरे को, मतलब मैं आर्मी के ट्रायल देने गया था, वहाँ से मैं लोकल लीग खेलना शुरू हो गया था, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर 23 खेला, 23 पहले मैच में अगेंस्ट MP मैंने 5 विकेट हॉल लिया था, तो फिर मेरी इंजरी हो गई थी, मेरे को एक्चुअली बाइक वाला हिट कर गया था, तो मेरा 1 साल तो वो वहाँ वेस्ट हो गया। नेक्स्ट ईयर मैं मुंबई इंडियंस में पिक हुआ था। अपने आपको मैंने यही चीज़ रियलाइज़ कराई कि कैसे मैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करूँ और एक प्रोसेस फॉलो करूँ। क्वालिटी ये होना चाहिए कि टाइम से वो मतलब पंक्चुअल रहे किसी भी चीज़ को लेके लाइफ में, ऑनेस्टी से चलना चाहिए और फोकस, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो कुछ भी, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें आपकी लाइफ में टिक हैं तो आप बहुत जल्दी अचीव करते हो।